तो गाइस आज हम जा रहे हैं चिमनी देखने, जहाँ ईंटें बनाई जाती है। तो चलते हैं गाइस। गाइस अभी आ चुके हैं हम जंगल में। हाँ गाइस, हम आप जंगल में हम आ गए हैं। आप आगे चलते हैं थोड़ा। चलो गाइस आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। हाँ ईंटें बनती हैं, जहाँ ईंटें बनती हैं। चल कर चल कर दिया क्या, देखो मैं काट दूंगा। देखो गाइस, हम अब देखो 5 मिनट में पहुंचने वाले हैं। बस जहाँ ईंटें बनती हैं आपको हम दिखाएंगे कैसे बनती हैं ईंटें। बस 5 मिनट में पहुंचने वाले हैं, हम जंगल आ चुके हैं। तो गाइस अभी थोड़ी ही दूर रह गया है भट्टा और जहाँ पर ईंटें पत्ती हैं। ये क्या है? ये देखो गाइस जी, हमारे यहाँ पर धनिया हो रहा है। ये खेती किसने होती है यहाँ पर? और ये जी जो सामने अंजन चल जाए, इसमें पानी लगता है। ये हमारे चाचा हैं जो सामने पानी लगा रहे हैं। ये खेती किसने करते हैं यहाँ की, इतनी बीज की? तो गाइस आप लोगों को दिखा देते हैं अंजन। आपको हम लेके चल रहे हैं जी, इधर ईंट बनाई जाती है। आओ चल रहे हैं। क्या करने आए हो आप? मैं ईंटों का काम करता हूँ। ये देखो हमारे चाचा आए हैं, ईंटों का काम करते हैं। ये चाचा आपका, ये क्या है? ये सांचे बनाने की मशीन। ये इससे ईंटें बनाई जाती हैं, चाचा कह रहे हैं इससे ईंटें बनाई जाती हैं। आप देखो गाइस, और ये हमारे चाचा हैं यहाँ पर। ये देखो, ये सब इन्होंने चाचा ने ईंटें बनाई हैं। आप देखिए, हम इनसे पूछने आ रहे हैं, एक दिन में आप बेटा कितनी ईंटें बना देते हो? 5000 ईंटें बना देते हैं एक दिन में। इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया है बड़े बड़े अच्छे का। और एक ईंट के आपके लिए बेटा कितने रुपये मिलते हैं? एक रुपये की एक ईंट पड़ती है इनके लिए। तो देखो गाइस, हमारे भाई ने बताया था, देखो यहाँ कितनी ईंटें बनाई गई हैं। और देखो काफ़ी लोग हैं यहाँ पर जो ईंटें बनाते हैं। गाइस दूर दूर तक यहाँ ईंटें ही दिख रही हैं, सिर्फ ईंटें ही दिख रही हैं। अब आप लोगों को वहाँ ले चलते हैं जहाँ पर चिमनी होती है, कोला होता है, जहाँ ईंटें पकाई जाती हैं। हम देखो आपको दिखाते हैं जो ईंटें बन के, देखो ये खराब हो जाती है। जैसे ये देखो, ये खराब हो गई बन के। ये पूरी बन तो गई थी लेकिन ये खराब हो गई, किसी काम की नहीं है हमारे। तो गाइस ये जो ईंटें हैं अब ये रोकड़े के काम में आएंगी, और जो फ्रेश ईंटें होती हैं वो चली जाती हैं घर बनने के लिए। जैसे कि ये लगा हुई हैं और यहाँ पर हैं, सब तरफ वो फ्रेश ईंटें लगी है। तो वहाँ पर चलते हैं जहाँ पर ईंटें पकाई जाती हैं। यानी ये एक एक ईंट क्यों रखी हुई है ऐसे? ये गाइस देखो, ये ईंटें इतनी दबा के रख रही है क्योंकि अभी बहुत कच्ची है ना, तो इसमें भड़क में सही हो जाएंगी, फिर इसमें डाली जाएंगी चिमनी में। अच्छा, इसलिए ये रख देते हैं दबा के ईंटें। सो गाइस अभी हम आ चुके हैं कोल्ड स्टोर पे। अभी हम आप लोगों को दिखाते हैं कोल्ड स्टोर कैसा है। तो देखो गाइस, ये कोल्ड स्टोर जहाँ आलू सब सब यहाँ पे जाते हैं, खेती किस नहीं होती है। तो गाइस जी हमारा सब कोल्ड स्टोर है, हम इसके अंदर नहीं जा सकते। गाइस आज का ब्लॉग यहीं पे खत्म होता है। ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके गाइस, लाइक करें।